इधर देख के। हाय हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ भक्का। तो आइए, हमारी भक्का कैसे बनती है मैं बताऊँ आज आपको। ये हमने इसमें बो लिया है हांडी। हांडी की ऊपर वो जो होता है मिट्टी की, उसमें मैंने साइड से मिट्टी लगा ली ताकि ये भाप ना निकले, अंदर से ही भाप निकले वो बीच में से। फिर इसने हम इसको चावल की आटा पीसा है मैंने, पहले चावल को भिगा लेना है, फिर इसको करते हैं चावल पहले इसको भिगा लेना, फिर जाके मिक्सी में पीस के, फिर थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का पानी डाल के, फिर इसको चन्नी से, जैसे ये वाली चन्नी है तो हमने इसको झरझरा कर दिया थोड़ा सा, झरझरा करके। और अब मैं जा रही हूँ भक्का बनाने, तो देखिए आज भक्का हमारी कैसे बनती है। हमने डाल दिया है इसमें, और फिर हम दोबारा से इसको ऐसे ही करके, मतलब दबाना नहीं है ज़्यादा, हमें हल्का हल्का, बस हल्का हाथ से भर लेना है हमें, ताकि ये अच्छे से हो जाए। हो गया, फिर इसको हम रख देंगे, फिर जब ये सीज जाएंगे फिर इसको हम उठा के दूसरे में रख देंगे। गरम गरम ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेंगे ये गरम गरम में, और ठंडी हो जाती तो वो सिकुड़ जाती है। बस होने जा रही है हमारी थोड़ी सी और, ताकि ये अच्छे से सीज जाए ना। देखो हाँ, पक जाए थोड़ी सी, अब रह गई है, देखो पक गई हमारी, अब हल्की सी और रह गई, इसको और हम पका लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें आटा आटा पन की ना आए। इसे हमें ध्यान रखना है कि ढक के ही बनाना है, ताकि ये साइड से भाप ना निकले, बीच में ही सही भाप निकले, जब ही हमारा ये पक जाएंगे अच्छे से। तो चलिए, हमारा ये हो गया आज की पहली है, इसको हम ऐसे करके, देखो हो गया, हो गया ये। फिर इसको हम दोबारा से लेंगे, फिर इसको ऐसे ही करना, सेम जैसे मैंने इस पे डाला, इस पे डाला, ज़्यादा अच्छे से मतलब दबा देंगे तो ये उठेंगे नहीं, हल्के हाथ से मतलब थोड़ा सा इसको वो करना है, ज़्यादा नहीं करना है। देखो